अहले नजर की आँख का तारा अली 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 अहले शरब अली वाला हाथ उठाएगा आँख का तारा अली 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 अहले नजर की आँख का तारा अली अली अहले नजर की आँख का तारा अली अली साहिबे फिक्रो नजर साहिबे फिक्रो नजर हक्का वली कहते हैं काशिफे कंसो हबीबे अजली कहते हैं जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। अहले नजर की आँख का तारा अली 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 अहले नजर की आँख का तारा अली मैं कुर्बान अली वालों पर उसे अक्से जली कहते हैं लहजे इश्क में वलियों का वली कहते हैं दूर तक फैली है तारीख में उसकी खुशबू उसकी बीनाई के शोले को कली कहते हैं और इल्म के शहर का दरवाजा है लकब उसका उसकी हर सांस को हिकमत की गली कहते हैं और हर हर उसको पढ़ा मैंने तो मालूम हुआ कि लुगते दीने मोहम्मद को अली कहते हैं। अहले नजर की आँख का तारा अली 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 अहले नजर की आँख का तारा अली मिजाज गुल शाख गुल पे देखो मकाम में खुशबू सबा से पूछो अली का रुतबा घटाने वालों अली का रुतबा खुदा से पूछो और लहद में मुनकर नकीर पूछेंगे तो ये कह के डाल दूंगा सवाल मुश्किल है ए फरिश्तों जब आप मुश्किल कुशा से पूछो। अहले नजर की आँख का तारा अली 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 नाल बुक्स रखे एवं तो हाथ उठा कर जरा सारे अली वाले हाथ उठाएंगे शरब अली वाला अली लाल बुक्स ओवे दोनी कमेया अली लाल बुक्स रखे एवे दोनी कमेया ओथे तेरा हज हो ओथे तेरा हज हो जिथे अली जमेया अहले नजर की आँख का तारा वही वही पुरानी सी शामत पिछले साल इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया और हमारे हमारे शहजादों ने मुंह तोड़ जवाब दिया दो जहाज गिरा दिए बाकी वापस भाग गए जिसने गिराया था पौने दो मिनट के अंदर और जिसने गिराया था उसका नाम था हसन सिद्दीकी हसन और अहमद हसन ये भी मौला कायनात के शहजादे के नाम पर इनका नाम रखा गया हसन सिद्दीकी हसन अली के शहजादे का नाम है हमला किया था हसन ने शेर देखिए शायर ने कैसा शेर निकाला है कि वही पुरानी सी शामत भली ना आ जाए वही पुरानी सी शामत भली ना आ जाए शुजाअतों के जहां का जली ना आ जाए और हसन का देखा जो हमला तो बोल उठे काफिर यहाँ से भागो कहीं खुद अली ना आ जाए। अहले नजर की आँख का तारा अली 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 अहले नजर वही पुरानी सी शामत भली ना आ जाए शुजाअतों के जहां का जली ना आ जाए और हसन का देखा जो हमला तो बोल उठे काफिर यहां से भागो कहीं खुद अली ना आ जाए। अहले नजर की आँख का तारा अली अली सदा शेर सुनिए एक और सदा ये मुल्क वतन पर वकार बाकी है खिजा का दौर गया और बहार बाकी है और अभी तो देखा है
मोदी ने हसन का हमला अभी तो देखा है। मोदी ने हसन का हमला ध्यान रखना अभी जुल्फकार बाकी है। नजर की आंख का तारा नी अले आखी जमल का सचे अपे मन लेंगे आखी जमल हो सचे अपे मन लेंगे आखी जमल का सच अपे मन लेंगे आज नहीं ते कल सर आज नहीं ते कल सर आज नहीं ते कल सर अली अली कहेंगे शेर मेरी हाजरी का आखिरी शेर। राजी हो बिलाल भाई, राजी हो अहमद हसन, राजी हो आखिरी शेर आखिरी मेरी हाजरी का कि मंजर फजाए दहर में। हाँ हाँ वो फरहान देख रहा है, हम भी उसे देख रहे हैं, वो भी हमें देख रहा है, हम भी उसे देख रहे हैं और वो भी हमें देख रहा है। आंखों आंखों में हो गए हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस समत देखता नजारा अली का है और कुल का जमाल जुज्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे हैं हुसैन नजारा अली का है और मरहब तो नीम है। सरे मक्तल पड़ा हुआ उठने का अब नहीं कि ये मारा अली का है और तुम दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में। देखो मुआमला ये हमारा अली का है। नजर की आंख का तारा अली मुझे अहमद हसन ने कहा है तो दो शेर के हुक्म की तामील के तौर पर दो शेर इस पर पढ़ते हैं। कौन कौन अली वाला है अब पता चलेगा। जरा हाथ उठाकर कहेगा चंगा लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वा अली 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 चंगा लगदा अली वाला चंगा लगदा अली वाला। किसने मुझे तो रिस्क मेरा जुलजलाल देता है। मदीने वाला मेरे दर्द डाल देता है और किसी की नस्ल की पहचान की जरूरत क्या। अली का नारा शजरे खंगाल देता है। कहा था ना शेर सुन ले शहजाद भाई आबिद भाई और जितने बाज़ौक मजमा स्टेज की जीनत है। खास तौर पर ये आखिरी शेर और याद रहेगा अभी गालिबन क्यू टीवी पर होने वाली महफिल में या किसी और महफिल में कराची में मैंने सिर्फ एक जगह पढ़ा है, सिर्फ एक जगह, उसके अलावा कहीं नहीं ये शेर पढ़ा है। आज लाहौर में पहली मर्तबा इनकी महफिल में पढ़ रहा हूँ और देखते हैं किस किस को पहुँचता है और कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है कि कहा था ना अली का बुक्स सीने में नहीं छुपता। आवाज नहीं आ रही है अली वालों की, आवाज नहीं आ रही। कहा था ना अली का बुक्स सीने में नहीं छुपता। मुनाफिक चीख पड़ते हैं कमीने बोल पड़ते हैं। मुनाफिक चीख पड़ते हैं कमीने बोल पड़ते हैं और अली का इश्क माओ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली का नाम जितने बड़े शेर हैं सुभानअल्लाह नहीं आ रही है। अली का इश्क माओ की शराफत की गवाही है। अली का नाम आता है
तो शजरे बोल पड़ते हैं और तजर्बा है बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। तजर्बा है ये बरसों का, कभी तुम आजमा लेना। जुबाने चुप भी हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। हुमायूं इसका अंतरा भी सुना देते हैं आपको, ताकि अली वाले जौक में रहें, शौक में रहें। हाथ उठाकर कहें, चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, मार के बोदला, मार के बोदला, साई ने जद हांडिया दे विच पाल, देवर बदले लाल साई दे जोश शबाज दुआ। तेनु सजदा अली वाला, तेनु सजदा अली वा, अली अली अली, तेनु सजदा अली वाला। ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, मुझसे हैदर भी कलेजों को जला देता है। चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वा, अली अली अली, चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला, चंगा लगदा अली वाला। हाजिरी को कबूल फरमाए, और जिस खलूस से इन नौजवानों ने अपने बुजुर्गों की सरपरस्ती और बाबा जी अब्दुल रशीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके माशाल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे और इनका फैजान इसी तरह से जारी और सारी रहे, बुजुर्गों के जरिए जो फैजान तकसीम हो रहा है अल्लाह करीम उसको सलामत रखे। और ये खल्के खुदा की खिदमत है, खल्के खुदा की खिदमत है। और जैसे जैसे बंदा बड़ा हो जाता है ना, उसमें हौसला बढ़ता है, वो फिर दुनिया की फिक्र नहीं करता। समझ रहे हैं, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनिया की परवाह नहीं की है, इन्होंने दुनिया को छोड़ा है, दुनिया इनके पीछे भागी है। ये अल्लाह वालों की पहचान होती है कि जो दुनिया को छोड़कर दुनिया का लालच खत्म करके जब दुनिया से दीन की तरफ रब की तरफ जाते हैं, वो फिर दुनिया उनके पीछे पीछे आती है। देखे ना, आज माशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी बरकतें अता फरमाए, गुजरे हुए 3 साल हो गए, लोगों के दिलों में आज भी वो याद है, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कायम है, इसलिए कि उन्होंने अपनी मोहब्बत नहीं डाली थी, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत डाली थी। पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा कि आप हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद करते रहते हैं, क्यों करते हैं ऐसा, आपको तो अल्लाह का नाम लेना चाहिए, आप फरीद फरीद करते रहते हैं, अल्लाह का नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा मौलवी साहब आपने कुरान नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा जी पढ़ा है। उन्होंने कहा कुरान में आया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र कर मैं तेरा जिक्र करूंगा। उन्होंने कहा तो इससे क्या मतलब हुआ। उन्होंने कहा फरीद ने सारी जिंदगी रब रब की है, अब रब फरीद फरीद करा रहा है,
अब रब फरीद फरीद करा रहा है, तो बाबा जी जिन्होंने रब रब कराई है, रब से रिश्ता जुड़ा है, नाता जुड़ा है, आज उनका जिक्र आता है तो उनके दीवानों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये वो फज़कुरूनी अज़कुरकुम की तफसीर है, जो कैफियत बनी है। अल्लाह करीम सलामत रखे। मैं पहली दफा आया, और आया भी ऐसी कैफियत में कि बिल्कुल नींद नहीं हो सकी थी, दिन में भी फ्लाइट बहुत लेट हो गई, फिर आए तो 2 घंटे फिर सोया और मगरिब के बाद, और फिर यहाँ आ गया। सुबह भी महफिल है इंशाल्लाह, यार जिंदा सोबत बाकी। अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल मकबूल फरमा ले।